अब हम देखते हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन एक कला है। अच्छे पत्रों में सहजता, आत्मीयता एवं अपनापन होता है। पत्र की भाषा प्रसंगानुसार होनी चाहिए। पत्रों में शिष्टाचार का निर्वाह होना अत्यंत आवश्यक है। पत्र लेखन का इतिहास बहुत पुराना है। विचारों के आदान प्रदान का यह एक उत्तम साधन है। पत्रों से मित्र बनाना सरल होता है। पत्र मित्र बनाकर हम देश विदेश में नए मित्र बना सकते हैं। पत्र एक दस्तावेज के रूप में संग्रहित किए जा सकते हैं। राजपूत सामंत पृथ्वीराज का राजा प्रताप को लिखा पत्र। कर्मवती का हुमायूं को सहायता के लिए पत्र लिखा। जवाहरलाल ने प्रियदर्शनी को लिखे गए पत्र। गांधी जी, गालिब, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पत्र दस्तावेज बन गए हैं। पत्र निजी या व्यक्तिगत होते हैं। व्यावसायिक पत्र तथा सरकारी एवं अर्ध सरकारी पत्र, ये तीन प्रकार के पत्र पाए जाते हैं। पत्र के प्रमुख अंगों पर ध्यान देना चाहिए जो इस प्रकार है। उसमें पहला है कि पत्र लिखने वाला का पता एवं दिनांक, कि जो पत्र की दाहिनी ओर लिखा जाता है, अब कंप्यूटर के युग में सुविधा के लिए इसे बाईं ओर भी रखा जाता है। अब देखते हैं संबोधन। निजी या व्यक्तिगत पत्रों में संबोधन तथा अन्य पत्रों के संबोधन में अंतर होता है। निजी पत्रों में बड़ों के प्रति आदरसूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे पूज्य, परम पूज्य, आदरणीय, श्रद्धेय, पूजनीय, मान्यवर, माननीय, पूज्य, पूजनीय इत्यादि। छोटों के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए प्रिय भाई, मित्रवर, प्रिय मित्र, बंधुवर, चिरंजीव, इस प्रकार संबोधन होते हैं। व्यावसायिक या सरकारी पत्रों में प्रति के बाद उनके हुद्दे के अनुसार संबोधन होता है। पत्र का विषय। व्यावसायिक पत्रों में इसका विशेष उपयोग होता है। देखते हैं अभिवादन। सरकारी या व्यावसायिक पत्रों में अभिवादन की परंपरा नहीं होती। व्यक्तिगत पत्रों में प्रणाम, नमस्कार, सादर वंदन, चरण स्पर्श, नमस्ते इत्यादि से अभिवादन किया जाता है। पत्र का मुख्य भाग। यह हिस्सा पत्र की जान है। व्यक्तिगत पत्रों में कुशल समाचार के बाद पत्र में मुख्य बात विशिष्ट शैली भाषा में व्यक्त होती है। पत्र लेखन का सहज परिचय भाषा से होता है। व्यावसायिक एवं सरकारी पत्रों में नपेतुल्य शब्दों में विषय को औपचारिक रूप से लिखा जाता है। अब हम देखते हैं हस्ताक्षर के पूर्व प्रयुक्त शब्दावली। व्यक्तिगत पत्रों से संबंधानुसार बड़ों को लिखे पत्रों में आज्ञाकारी, आपका सेवक, कृपाकांक्षी, स्नेहभाजन, छोटों को शुभचिंतक, शुभेच्छक, शुभाकांक्षी आदि लिखा जाता है। आवेदन पत्रों में भवदीय, प्रार्थी या निवेदक लिखा जाता है। अंत में प्रेषक का नाम लिखा जाता है। अब देखते हैं पता। पोस्टकार्ड, अंतर्देशीय पत्र या लिफाफे पर योग्य ढंग से पता लिखना चाहिए। उसमें पहले पाने वाले का नाम, मकान का नंबर, मोहल्ला या सोसाइटी, कॉलेज का नाम, सीमा चिन्ह रूप स्थान या विस्तार, रास्ता विशेष का नाम, नगर या गांव का नाम तथा पिन कोड नंबर, इन बातों को क्रमशः लिखना चाहिए। गांव या शहर का नाम बड़े या बोल्ड अक्षरों से लिखने से डाक कर्मचारी को सुविधा रहती है। उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखते हुए पत्र लिखने से आप अपनी पत्र लेखन कला का विकास कर सकते हैं।